जय हो, हर हर महादेव। आप सब लाइव में जुड़ जाइए, बहुत सारा बात करेंगे बा आप सब से, जितना जल्दी। अभी लाइव कटल है, लेकिन फिर आवे के मकसद ये रहला कि दिमाग के दही हो गई बाय बेरा। देखी जा, अब हम का कही, अब आप सब खुदे समझदार बन जा, आप सब केहू के स्टार बनाई ले जा। अब बताई, अब हदे हो गई बा। ओ गरी लांगा लखनऊआ गवनी गवैनी, तो फेरू एने ओने भइल, कौन था गवैनी फेरू चोरी भइल। अब बताई, लांगा लखनऊआ टू गवैनी है तो झलकौआ फलकौआ टू गवला के का जरूरत रहला है बताई सभे। माने एगो खेसारिये भैया दुश्मन हो गई बड़े अधाल बा। आप सब अब इंसाफ करी जा, देखी जा, अब हम हमारा कुछ नहीं खे बोलेंगे। आप सब देखत रही जा खाली का का होता। और आप सब बताई जा कि ये सब का होखत, हमरा खुदे नहीं खे बुझात। भोजपुरी का शेर लेखक, अरे भाई हमको पता है कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं हमको खेसारी भैया को, लेकिन फेरू से चोरी मध्य हदे हो गई भाई यार। अब तो हमरा बुझाते नहीं कि या तो जब गवाही रहे तो पहले ही छोड़ लेला, तबे हमनी के बाद में छोड़ती जा। हाँ? अब बताई कि अब हमार काल रिलीज होता तब बेकार के दुश्मनी हमारा के तू लोग कह लो कि हमेशा विवाद करे लन। अब विवाद पर ना करी तो का करी बताई सबे। हाँ? अब बताई जे कि कहाँ के उचित चीज बा। हमार पोस्टर पहले लॉन्च भइल, हम चालू कैनी कि आ रहा है लांगा लखनऊ तो उन्हें चुनरी मुनरी झलका हुआ, ये ठीक बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि इससे हमारी भोजपुरी आगे जाएगी। हमारी भोजपुरी को कहीं ना कहीं बहुत क्षति पहुंच रही है इस इन सब चीज़ों से। और प्लीज ये सब करने से कोई आगे नहीं, आप लोग हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं, रउआ सबके सब पते बा। तब ये सब चीज़ हमारा बिल्कुल बहुत घिनौना चीज़ लागल और बहुत गंदा चीज़ बा, ये सब ना होके के चाहिए। बताई हमार लांगा लखनऊ टू आवत रहा तो एक के डिस्टर्ब करे खाती। समर भैया लिख रहे हैं हमार गनवा दब, अरे भैया राउर गनवा तो बारूद हो। तो ये बताई सब है कि झुनरी झलक हुआ टू नु हो झुनरी झुनरी। अब ये बताई सब ज्यादा अरे हिट मतलब साल भर चाहिए ना खेलन ता जावत रहो तो कहे ना पहले पोर्टल ले खेलन। नहीं नहीं आप लोग प्लीज आप लोग ये बताइए कि हमारा पोस्टर रिलीज हुआ और आप लोग इस पोस्टर को देखे, सुबह में ही रिलीज किए, अब शाम को फेरू कौन टू आवता है, ये गलत बात बा। इससे हमनी के भोजपुरी आगे ना बढ़ी, एकरा से भोजपुरी हमनी के बहुत बैक जाई। ऐसे कि हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक बा, गाना अलग होके कि चाहे सब कुछ अलग हुई हम मानत नहीं, लेकिन सेम डेट को सेम टाइटल देना ये अच्छा बात नहीं है। और इससे बहुत दिक्कत होगा और हमारे भोजपुरी को कहीं ना कहीं क्षति। हम विवाद करना नहीं चाहते, हम लोग हमसे करवा देते हैं। विशाल हर लोग का मेला खेल रहा हूं अब जाके खेल रहा हूं यार। चुप प्लीज प्लीज। नहीं चुप, बहुत दिल को दुख पहुंचा है। चुप चुप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे भाई हैं। लेकिन आप लोग देखिए इसका इंसाफ कीजिए। और कल अतना शेयर कर दे लोग नू कि फिर दूसर लोग चुरा के गावल भुला जास लोग। कल अतना शेयर हो जाओ कि लोग भुला जास कि चोरियों करे के बा, ई होखे के चाहिए। ई आप लोगों को जवाब देना है कि का होखेला चोरी कईल और केहू के मेंटली टॉर्चर कईल। ऐसे ना कि हम लोग एक कलाकार हैं यार, हम लोग रात भर दिन भर जग के, हम किसी को नहीं चाहते हैं। आप लोग हमेशा हमको मानते हैं ना कि हम लोग हमेशा, आप लोग बोलते हैं ना कि अखिलेश कश्यप विवादित हैं, विवाद करवा देते हैं, लेकिन सच बताएं बहुत दिल दुखता है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग मेहनत करते हैं ना यार, आप मेहनत करके आगे बढ़िए ना, आप इसीलिए ऐसे हो गए। मेहनत करना चाहिए इंसान को। और बहुत दुख होता है, बहुत मतलब ये रो देता है अंदर से ना, दिल रोता है जब आप लोग ऐसा करते हैं तो।
एक भोजपुरी के सुपरस्टार को अगर छोटे सिंगर करते हैं ना तो चलता है, मानते हैं कि सब कुछ सही है। दीपक ओझा मुखिया जी बरहापुर, भैया आपको प्रणाम है, आपने भोजपुरी को सींचा है, आपने भोजपुरी को खाद यूरिया डाई, भैया मुखिया जी दीपक भैया आप लोग दिले बनी जाए आप लोग नहीं मुखिया जी हैं हमारे, मुखिया चाचा भोजपुरी को आपको आप बहुत कुछ दिए हैं, और आप लोग ऐसे ही प्यार, अरे रुक यार पागल चुपरा, दो आवर्स में 1 मिलियन देख लीजिएगा दोस्त, दोस्त नाराज जियो शेर क्या होता। कल आप लोगों को दिखाना है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है, और वो आप लोगों ने हमेशा साबित किया है, और मुझे उम्मीद है डंके की चोट पे आपका भाई बोल रहा है कि आप इस बार भी दिखाएंगे लोगों को। विशाल यादव मेरा छोटा भाई, मेरा बाबू, लव यू, आप लोग को पता है कि भोजपुरी शेर हिट मशीन हमारे साथ जब आते हैं तो कुछ ना कुछ धुआं होता है, और झूठों के इन्ना लेवे के चाहिए मुँह में, तो वो सब नहीं होना चाहिए। लव यू टू विशाल, ये सब नहीं होना चाहिए। भोजपुरी में मेहनत करके आगे बढ़िए, जलन से नहीं बढ़िए प्लीज, होपलेस करके नहीं, एक कलाकार का हौसला तोड़ के नहीं। मैं मानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ मेरा गाना पिट जाएगा, मेरा गाना व्यूज नहीं जाएगा, लेकिन इससे आप कुछ नहीं पाएंगे, लोगों की नज़र में गिर जाएंगे आप लोग। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, और कल आप लोगों आप हमको नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेवारी है कि इस गाने को कैसे नंबर वन बनाना है, वो मुझे नहीं बोलना है, आप लोग करेंगे, क्योंकि आपका भाई हमेशा सही रहा है, हमेशा से मुझे दबाते चले आए हैं लोग, और मैं बोलता नहीं हूँ, बस चुप होकर देखते रहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है ना, ऐसे ही मेरे साथ कौन थामे किए आप लोगों ने, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे मजबूरन आके बोलना पड़ा, और ऐसे ही फिर मेरे साथ इस गाने में भी कर दिए, ऐसे ही लांगा लखनऊ में किए, मतलब क्या है यार, इंसान है ना, बहुत दर्द होता है भाई, मैं नहीं बोलता हूँ। मनोज भैया, लव यू भैया, तो मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है, और मैं डिप्रेशन में ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ है, और मुझे बहुत तकलीफ लगा है, आदमी कितना दिन तक बर्दाश्त करेगा, कितना दिन तक झेलेगा। और आप लोग को मैं ये भी बता देता हूँ कि किसी के कॉपी करने से ना नंबर वन नहीं होना होता है, कोई कॉपी करने से नंबर वन, दम है ना तो ओरिजिनल कंटेंट गाइए ना, दिख जाएगा, पता चल जाएगा। और खेसारी लाल यादव से पंगा यार, क्या बात कर रहे हैं, जिनको हिट मशीन पूरी हमने नहीं नाम दिया है, मैं उनका राइटर हूँ इसलिए नहीं, अखिलेश कश्यप ने नहीं नाम दिया है उनका, उनको न्यूज वाले पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री ने नाम दिया है, तो मुझे नहीं लगता है ना कि हीट मशीन, मैं बोलता हूँ वो हीट मशीन है इंसान, उसने भोजपुरी के लिए किया है, भोजपुरी में टाइम दिया है, इसलिए यहाँ तक है। आप लोग इतना प्यार दीजिए और इतना फाड़ दीजिए ना कि पता चल जाइए। मुखिया चाचा लिख रहे हैं लाखों करोड़ों आशीर्वाद, दीपक भैया उनके पुत्र हमारे बहुत अच्छे दोस्त दीपक भैया, दीपक भैया को लव यू। आप लोगों ने भोजपुरी में बहुत कुछ किया है भैया, मुखिया चाचा ने बहुत कुछ भोजपुरी में दिया है, मैं जानता हूँ कि आपकी कीमत क्या है भोजपुरी में, भले लोग भूल जाए, आपका बेटा नहीं भूलेगा चाचा। मुझे वो दिन याद है जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और आपके दुकान पे जा रहा था, और आप मुझे नाश्ता पानी इतना इज्जत देते थे दीपक भैया, भले आज आपका भाई का गाना बहुत बजता है, आपके पास टाइम नहीं रहता है, नहीं आ पाते हैं, लेकिन भैया आपने मुझे बहुत किया है, मुखिया चाचा ने बहुत प्यार किया है एक बेटे जैसे, तो लभी मुखिया चाचा, मुखिया जी बरहापुर, आप लोगों ने बहुत पहले भैया का गाना सुनिएगा, खेसारी भैया का, कल्लू जी का, पवन भैया का, तो उसमें आप लोग नाम सुनेंगे, तो लभी भैया, दीपक भैया और मुखिया चाचा के प्रणाम बा, चरण छू के जैसे इकर इंसाफ तू लोग करे के बाद कल 6:45 में, हम अब कुछ ना कह, हमारा कुछ नहीं खेल हुआ, सबसे कहे के साफ इतना ही मैं बोलूँगा। बाबू बाबू एक मिनट चुप रहिए, मैं इतना ही बोलूँगा कि ये पूरे गाने का दरोमदार आप लोगों पे है, आप लोग इसको फ्लॉप कर दीजिए, आप लोगों को अगर लगता है कि मेरा गाना खराब है, मेरे साथ सही हो रहा है, तो आप लोग इस गाने को मत सुनिएगा, अगर लगे
ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है भोजपुरी में, तो आप लोग प्लीज इसका इंसाफ कीजिएगा, जवाब दीजिएगा आप लोग कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हमेशा आप लोगों ने हमेशा से मतलब ऐसा ही किया गया है, मतलब हर गाने को कॉपी करना, मेरे गाने को कॉपी करना, फिर से गाना, फिर से चढ़ाना, फिर से विवाद करवाना कि मेरा, तो मैं वो सब चीजें नहीं देखूंगा। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए इस भाई को, और आप लोग दिखाइए कि भोजपुरी में किसी का नहीं चलता है, भोजपुरी में जो पब्लिक चाहती है ना उसी का चलता है। बस पब्लिक का प्यार मिल जाए, पब्लिक चाह दे, आप लोग चाहेंगे पवन भैया का भी सॉन्ग आवत, आई भाई होली में आई लोकगीत भी आई भाई हमार लव यू, धुआं धुआं मोहन मोहन चौबे मेरा छोटा भाई है। तो आप लोग बस इसको प्लीज भाई, आप लोग कल सुबह में 6:45 में इतना बता दीजिए कि हर वो गलत इंसान, हर वो चोरी करने वाले इंसान के साथ यही होगा जो आपके साथ हो रहा है। हमारे साथ देखिए, हम कश्यप हैं और हमारे साथ जुड़ा हुआ है कश्यप पवार। हम लोग जब चलते हैं तो सुनामी आता है, मैं चुप था इतने दिन से, अशांत था, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा है और इसका जवाब आप लोगों को देना है। ये मेरा गाना नहीं है, आप लोगों का गाना है, और ये मुझे जवाब नहीं देना है, आप लोगों को खेसारी भैया के लिए जवाब देना है और भोजपुरी के लिए जवाब देना है। कोई बात नहीं विशाल, हैप्पी न्यू ईयर टू मेरे भाई। आप लोग प्लीज, बिल्कुल दीपक भैया मुझे पता है, आप लोग प्लीज इतना कल शेयर कर दीजिएगा ना कि लोगों को पता चलना चाहिए कि भोजपुरी का रियल किंग हिट मशीन वही है। और ज्यादा चिंता ना जीतेश भैया, प्रणाम भैया, और आप लोग प्लीज इसको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा, जो होता है ना भोजपुरी में ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो देंगे। और मुझे आप लोगों पे अपने माँ बाप से ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि माँ बाप ने जन्म दिया है लेकिन आप लोगों ने मुझे जीवन दिया है। आप लोग ने मुझे ये सब जितना दिख रहा है वो सब आपका दिया हुआ चंदा है, आप लोग का दिया हुआ एक एक पैसा है। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए और आप लोग इसको दिखाइए भोजपुरी में कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बस नहीं बोलूँगा इससे ज़्यादा, मुझे क्योंकि बहुत तकलीफ लगा है और मैं इस पे बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अभी मैंने देखा तो मेरा दिल बहुत दुखा है और मैं इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं बताऊँगा। आप लोग जैसे पिछले साल इतिहास दिया, बनाया, चारों खाने चित किया विरोधियों को, वो मुझे चाहिए। और मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग वही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सबों को, 3 आवर्स में 1.5 मिलियन होगा भैया, थैंक यू सो मच। कल आप सब रंडम मचा दीजिए, इतिहास बना दीजिए, भोजपुरी में एक इतिहास होना चाहिए, भोजपुरी में एक इतिहास बनना चाहिए आप लोगों के लिए, आप लोग के नाम पे। तो थैंक यू सो मच, आप सब ऐसे ही प्यार देते रहिए अपने भाई को, लव यू, सबके प्रणाम।